दत्ता जी की कहना चाहते हो जी, कि मतलब थोड़ा महसूस हो? देखो तुम सारे जानते हो कि पिछे जे साढ़े बंगिया एक बार अग लगी सी, उदो महसूस होया कि साढ़े इत्थे जिहड़ियां गड्डियां होर पर्याप्त चाहीदियां, क्योंकि गड्डियां घट सी। उसनू देखते हुए मैं मंग भी रखी सी, और साढ़े कोल अप्रैल च एक गड्डी पहला आ गई सी, ते हुण एक फायर टेंडर होर आ गई है, और इस वक्त साढ़े कोल मरिंडे च तीन, ते चमकौर साहब च एक फायर टेंडर है। सो मेरे हिसाब नाल हुण जिहड़ा हैगा असीं पूरे सशक्त है, जे किते भी लोड पैंदी है असीं, वैसे वाहिगुरू ना करे कोई ऐसा जिहड़ा हादसा वापरे, लेकिन अगर कितने जरूरत पैंदी है तां जिहड़ा हैगा असीं पूरे सशक्त है कि इस जो किसी तरह का भी फायर अग लगती है तो उसको नजिठण लिए आप पूरे तैयार। सो शहर के होर जिहड़े डिवेलपमेंट के काम ने उन्होंने बारे की कहना? देखो शहर के डिवेलपमेंट के काम जदों की सरकार बनी है बहुत वधिया चल रहे हैं, अज तक 15 साल किसी तरह की डिवेलपमेंट नहीं हुई। तुसीं देखिया ही है कि जदों पहला कम्यूनिटी सेंटर का मैं उद्घाटन किया, साढ़े मरिंडा वासी कह रहे थे पहला उद्घाटन देखे अभी 15 साल, तो उस तो बाद अंडरब्रिज का वो शुरू कराया, तो उस तो बाद फिर कैमरे लगाए गए ताकि जिहड़ा हैगा कानून व्यवस्था वधिया हो, जिहड़े शरारती अंसर है उन्होंने जल्दी फड़िया जाए, तो हुण जिहड़ा लाइटां लग रही और बहुत जल्द जिहड़ा तुसीं 2 महीने के अंदर बहुत वड्डा बदलाव मरिंडे च देखोगे। सीवरेज का काम 50-60% हो चुका है, बरसातों तो बाद जो रहा 40% है वो भी हो जाएगा, और अगले सीजन मेरा ख्याल है कि सानू जो प्रॉब्लम हूँ आ रही जो तकलीफा लोगों ने हूँ कटिया इस बरसात अगली बार वो नहीं दिख पा। सर जेकर विकास कार्यों की गल करते हैं मरिंडे शहर के जिड़िया जी सीवरेज का काम चल रहा है, तो गलिया नालियाँ पट के रखी पी हैं, तो काम जोड़ा बहुत हौली जी स्पीड हैगी, स्पीड जी बहुत हौली है जी, इस करके मरिंडा शहर के जो वसनीक उन्होंने बहुत मुश्किल का सामना करना पैंदा है। बरसात का मौसम है, मच्छर मक्खी इदा दी बीमारियां ने वो पनप सकदियां ने, इहदे बारे की कहना कहोगे जी? तुसीं मेरा ख्याल बाकी पंजाब के हालात नहीं देखे, साढ़े मरिंडे साढ़े चमकौर साहब हल्के के हालात बहुत बेहतर है, साढ़े का जो पानी आ भी जाए घंटे के अंदर पानी जोड़ा है वो साफ हो जाता, गलियां नालियां साफ हो जाए। बाकी हालात बाकी जगह हालात देखो 15-15 दिन हो गए कई कई जगह पानी खड़ा, साढ़े हल्के जोड़ा सीवरेज का काम हमेशा ही स्लो चलता है, ये जे काली साढ़े का जो पानी आ भी जाए घंटे के अंदर पानी जोड़ा है वो साफ हो जाता, गलियां नालियां साफ हो जाए। बाकी हालात बाकी जगह हालात देखो 15-15 दिन हो गए कई जगह पानी खड़ा, साढ़े हल्के जोड़ा सीवरेज का काम हमेशा ही स्लो चलता है, ये जे काली करोगे तो फिर वह दब जाना, तुम देखा ही है हर उपर रोड जाके देख लो जिन्होंने कालिया कीतिया उन्होंने सारिया टाइलों दब चुकी, इस करके सीवरेज का काम बड़ा आराम नाल करन वाला है, और अगले सीजन थानू प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्द जरा बाकी 40% काम रह गया वो भी 3-4 महीने। सर एक अंडरब्रिज का पानी हाँ अंडरब्रिज का जो पानी का असं कर रहे हैं वो पानी का कारण से कि सर्विस रोड जिहड़ियां तैयार नहीं सी उसका भी काम चल रहा है, मैं थोड़े ना विश्वास है मैंने कि अगली 2 महीने के अंदर सारा वधिया हो जाएगा। सर नीचे तो सरिया निकल गई उत्थे कोई भी हादसा हो सकता जी? देखो इदा छोटी मोटिया प्रॉब्लम जिहड़ियां पिंडसियां जिवें बंदे दे पिंड किसी दे पिंडसी निकल आई उहनू भी असीं कही जाइए कि पता नहीं की हो गया, तो यह कोई वड्डी बीमारी है छोटिया बीमारियां इन्हां दा तो बहुत जल्द हल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।